हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आप देख रहे हैं गेस्ट टीवी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अनोखा वीडियो लेकर आया हूं मैं, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नेट पे कि फोन को अनरूट कैसे करें, स्टॉक रोम इंस्टॉल कैसे करें, और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एक्चुअली कि हम कौन सी चीज कहाँ से डाउनलोड करें और क्या स्टेप्स फॉलो करें। सिंपली हमें सिर्फ अपने फोन को अनरूट करना है। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैंने कुछ सिंपल स्टेप्स बताए हैं और इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप आपके फोन को अनरूट विद इन कुछ मिनट्स में कर लोगे और आपको पता नहीं चलेगा कितना एफिशिएंट ये टेक्निक है। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, फोन की बैटरी चार्ज करना मत भूलना। बैटरी ज्यादा करके 80-90% में रखो, क्योंकि ये प्रोसेस में बैटरी लगता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो प्लीज लास्ट तक देखिए, लेकिन वीडियो आपके काम का है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं। अभी यहां पर दो सबसे मेन स्टेप है। सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना है ओडिन। ओडिन क्यों इंस्टॉल करना है? ये एप्लीकेशन एक्चुअली हमें जो स्टॉक रोम अपने फोन में स्टॉक रोम जो हमें डालनी है उसको इंस्टॉल करने में ये एप्लीकेशन हमें काम आएगा। ये सैमसंग यूजर्स के लिए हमें ओडिन इंस्टॉल करना है। अगर आपका फोन कोई और कंपनी का है और अगर उसके लिए आपको स्टॉक रोम डालनी है तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे की जो भी आपके फोन का कंपनी का नाम है वो इंसर्ट कीजिए और बोलिए कि इसमें स्टॉक रोम इंस्टॉल करना है तो कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तो आपको सजेस्ट कर देगा। और दूसरा जो काम हमें करना है वो है कि जो स्टॉक रोम हमें डालने हैं, तो जैसे कि मेरा फोन है सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 जिसमें मैं ये करने वाला हूँ, तो उसके लिए फर्मवेयर यानी कि स्टॉक रोम हमें इंस्टॉल करनी है ढूंढ के। तो उसको डाउनलोड करने के लिए भी आपको कैसे कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ओडिन इंस्टॉल कर लीजिए। ओडिन का लिंक मैं पॉसिबल हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एक्चुअल में, तो यहाँ पर वो आपको बता देगा इन्फॉर्मेशन क्या क्या उसके एप्लीकेशन है वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये मेन लिंक है, डाउनलोड लिंक। इस पर क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज आएगा। इसमें वो बताएगा ओडिन किस किस के लिए यूज होता है। ओडिन इज यूज फॉर फ्लैश इंस्टॉल कस्टम रोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैं ये कर चुका हूँ डाउनलोड अपने पीसी में, तो अभी के लिए मैं ये नहीं करूंगा। और ये जिप फाइल होने वाली है डाउनलोड, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना भूलना मत। ओके, सो ये इंस्टॉल हो गया। अभी आपको आपके फोन का फर्मवेयर डाउनलोड करना है यानी कि जो स्टॉक रोम इंस्टॉल करनी है, तो आप ऐसा कुछ सर्च कर सकते हो कि स्टॉक रोम फॉर सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 या जो भी आपका फोन है सैमसंग का, आप यहाँ पर इंसर्ट कीजिए और वो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको सजेस्ट करेगा, तो इनमें से आपको जो लेना है आप ले सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है, uptodate.com करके इस वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपका जो फोन का मॉडल नंबर है वो यहाँ पर इनपुट करना है और सर्च करना है, और वो आपको बहुत सारा ऑप्शंस देगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके रीजन के हिसाब से डाउनलोड करें। तो यहाँ पर रीजन में इंडिया जहाँ पर होगा वो वाला मैं क्लिक करके उसी को डाउनलोड करूँगा। और नहीं मिल रहा है तो लोड मोर कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर, आपके कंट्री के हिसाब से रीजन के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। और ये दोनों भी जिप फाइल होने वाले हैं, तो याद रखिए इन दोनों को अनजिप करना है आपको। तो अब ये प्रोसेस हो गया है। अब हमें करना ये है कि ओडिन को ओपन करते हैं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा शुरू कर दे। तो दोस्तों ओडिन तो अब ओपन हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारे फोन की तरफ। इसमें जो आपने पहले इंस्टॉल किया है उसको आपको रूट एक्सेस जो भी अभी प्रेजेंट होगा आपके फ़ोन में उसको निकाल देना है। तो सुपर एसयू को मैं ओपन करता हूँ और इसमें सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे फुल अनरूट, ये पढ़ लीजिए एक बार। इफ क्लीन अप सक्सेड्स रूट विल बी लॉस्ट ला ला ला, प्लीज रिबूट योर डिवाइस आफ्टरवर्ड्स, बीवेयर सम कर्नल्स। तो ये कंटिन्यू कर देना है, तो वो जो भी रूट किया होगा आपने पहले उसको हम इंस्टॉल कर लेगा सुपर एसयू से आपने अगर किया रहेगा तो। तो ये तो अब हो चुका है। अभी एक और काम हमें करना है दोस्तों। अब क्या करना है, अब मैंने जो पहले डेटा कंज्यूम किया था जो भी पहले रूट करके जो भी एप्लीकेशंस डाले थे
अब मुझे फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है। आप चाहे तो ये ऑप्शन स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ऑप्शन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, फैक्ट्री डेटा रीसेट नहीं करना है, तो फिर आप डाउनलोडिंग मोड में डायरेक्ट जा सकते हो, जिसमें हमें ये अनरूट करने का प्रोसेस करना है। तो उसमें अगर आपको डायरेक्टली जाना है, तो पावर बटन, ये सेंटर बटन और डाउन की, ये तीनों दबाकर आप डाउनलोडिंग मोड में आ सकते हो। तब तक मैं अपने फ़ोन में रिकवरी मोड का पहले कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ डाउनलोडिंग मोड में कैसे आना है। और अगर आपको रिकवरी करना ही है, तो ये प्रोसीजर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट, जो तो थर्ड ऑप्शन है, उस पर आना है और पावर बटन से हमें क्लिक करना है यस वाइप ऑल यूज़र डेटा। तो ये जो यूज़र डेटा रहेगा उसको वाइप कर देगा। तो आप देख सकते हैं अभी फैक्ट्री डेटा तो वाइप हो चुका है। अभी मैं कैच भी, कैच पार्टीशन जो है उसे भी वाइप कर देता हूँ। पावर बटन पे क्लिक किया, यस, ये तो कुछ ही सेकंड्स में हो जाना चाहिए। जी हाँ, ये हो गया है। अभी हमें ये सब चीज़ें सेव करने के लिए रीबूट सिस्टम करना पड़ेगा। तो रीबूट कर लेते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन हमें अभी डाउनलोडिंग मोड पे जाना है। तो डाउनलोडिंग मोड पे जाने के लिए रीबूट भी कर लेंगे और उसी के साथ इस पर क्लिक कर देता हूँ यस। और वो रीबूट होते होते डाउन की और सेंटर बटन दबा के रखना है। तो हम आ गए डाउनलोडिंग मोड पे। तो जिन यूजर को मैंने बोला था ये स्टेप स्किप करना है, पावर बटन, डाउन की और इससे आ सकते हैं, ये था वो डाउनलोडिंग मोड। तो अभी डाउनलोडिंग मोड में आ गए। अभी अपने फोन को यूएसबी कॉर्ड से कनेक्ट कर लो और अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लो, जिससे आपको आपके फोन में स्टॉक रोम डालना है। अभी तो यहाँ पर हम ओडिन में आ गए हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम अप से आप डाउनलोडिंग मोड ऑन कर सकते हो। जैसे ही मैंने वॉल्यूम अप से डाउनलोडिंग मोड ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू बॉक्स आया है। इसमें एक्चुअली बता रहा है कि मेरा डिवाइस आ चुका है जिस पे मुझे ऑपरेशन करना है। अब मुझे सिलेक्ट करना है जो स्टॉक रोम हमने इंस्टॉल किया था, नेट पे से डाउनलोड किया था, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपने जहाँ भी उसे डाउनलोड किया है अपने पीसी में, और डाउनलोड करने के बाद सबसे मेन चीज़ है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट जो किया है, वो एक्सट्रैक्टेड फाइल जो कि मेरी ये फाइल है, उस एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फाइल का जो जनरेट हुआ है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसे सिलेक्ट करके मैं ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, वो फाइल आ चुकी है, इसे टिक मार्क कर लिया है। वो ये सिलेक्ट करते हो कभी कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन आ जाता है, इसके लिए मुझे वीडियो स्किप करना पड़ा। और अभी हम ये स्टार्ट करने ही वाले हैं। ये स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बॉक्स में सारा ऑपरेशन दिखाएगा आपको। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टम लिख कर आया है। जब भी ये प्रोसेस ख़त्म होगी यहाँ पर रीसेट लिख कर आ जाएगा, इसका मतलब कि पूरी तरह से हो चुका है और आपका फ़ोन अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाउनलोड होने तक मैं ये वीडियो स्किप कर दूंगा और सीधा आपको तभी दिखाता हूँ जहाँ पर ये पूरा इंस्टॉल होके रिस्टार्ट होने की प्रोसेस चालू कर देगा। तो तब तक के लिए स्किप करते हैं इस वीडियो को। कैच हिडन और अब रीसेट हो गया पास, और यहाँ पर फोन हो गया है रिस्टार्ट। दोस्तों अब टेस्ट में तो ये हो चुका है पास, अब फोन हो जाएगा अपना रिस्टार्ट अपने आप, क्योंकि ये हो चुका है पास। तब मैं इस वीडियो को वहां तक स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये सैमसंग सैमसंग बहुत बार फ्लैश होने वाले, आपको पता ही होगा। और हाँ, और एक चीज दोस्तों, अगर ये सैमसंग सैमसंग ज्यादा बार फ्लैश होते ही रहे होते ही रहे होते रहे और एंड ही ना हो, ऐसा अगर सिचुएशन आपके साथ होता है,
तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फोन को एक बार बैटरी निकालो और रिस्टार्ट कर लो और उसके बाद आपका फोन चालू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम ये इंस्टॉल कर देते हैं तो फोन इसी लूप में अटक जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में रिस्टार्ट कर लेना। एंड ओके, ये रहा हमारा नया सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2, जैसे हमने नया लिया था बिल्कुल का बिल्कुल वैसा। तो ये सिंपल स्टेप्स थे दोस्तों, आप इनको फॉलो करके आपके भी फोन को अनरूट करके फिर से वैसा का वैसा बना सकते हैं। तो बस यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी ये चीजें आनी चाहिए। अगर उनको चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करना चाहूंगा। मेंशन कीजिए आपके कोई भी वीडियो सजेशंस हो, हम लोग ट्राई करेंगे आप सभी के लिए वो वीडियोस बनाने के लिए। और तब तक के लिए देखते रहिए KS TV।